फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल, मैंने आप लोगों को कहा था कि हम फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे बाद में। देखो ये पॉइंट आ गया है फ्यूल के बारे में पढ़ने वाला। फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल क्या होते हैं? हमने देखो इस जगह स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कर लिया, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, हमने फ्लो डायग्राम के बारे में पढ़ लिया, हमने जो मेन कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल, जो कि अलग से भी टॉपिक है, प्लस इसके अंदर आप फ्यूल के बारे में भी समझ पाएंगे। फिर अपन टाइप्स ऑफ रिएक्टर जो लास्ट हेडिंग है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो बात करते हैं फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल की। द मटेरियल विच आर नोन टू अंडरगो न्यूट्रॉन फिशन आर, इसका मतलब यह है कि वो मटेरियल जिनका नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन होना है वो तीन है। पहला U-235, U-233 और Plutonium-239। मिशन इम्पॉसिबल जो 5 नंबर पिक्चर आई थी 6 नंबर आई थी उसके अंदर टॉम क्रूज पूरी पिक्चर में प्लूटोनियम की बॉल्स चोरी करके ले जाता है, एक जना उसको पकड़ने में बिता देता है, तो ये वही छोटी छोटी बॉल्स होती है। अब तुम देखो कि न्यूक्लियर फ्यूल को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना कितना आसान है। एक सूटकेस में 3 बॉल ले जाओ, तुम्हारा साल भर का खर्चा जो है वो निकल गया, आराम से साल भर न्यूक्लियर रिएक्टर चलेगा। तो हालांकि वो लोग वहाँ पर रिएक्शन कुछ और करना चाह रहे थे जिसको रोकने में सफल हो गए थे लास्ट में टॉम क्रूज भैया। तो बात करें फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल की, तो ये पहली लाइन या पहला पॉइंट ये कह रहा है आपको कि भैया तीन आदमी या तीन फ्यूल या तीन मटेरियल हैं जो कि आराम से एज ए फ्यूल रिएक्टर में काम में लिए जा सकते हैं। द मटीरियल विच आर नोन टू अंडरगो न्यूट्रॉन फिशन आर, न्यूट्रॉन फिशन मतलब न्यूट्रॉन से टकराएगा और टूट जाएगा। तो ऐसे तीन बंदे हैं U-235, U-233 और Plutonium-239, ये तीन बंदे हैं जो ये आपका जो है वो काम करते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ दीज U-235 इज ओनली वन अकरिंग इन नेचर, 0.72% ऑफ द नेचुरल यूरेनियम एंड हैज सर्व्ड एज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। मतलब क्या है इसका, क्या बोल दिया इतना सारा लंबा चौड़ा, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या। ये कह रहा है कि इन तीनों में एक यूरेनियम-235 ऐसा है कि यूरेनियम-235 के अंदर 99.3% और 0.7% 99.3% यूरेनियम काम ही नहीं आता, केवल और केवल 0.7% यूरेनियम जो है वो न्यूट्रॉन से स्लो मूविंग धीरे चलने वाले न्यूट्रॉन से टकराता है और टूट जाता है। पर 99.3% यूरेनियम टूटता ही नहीं है, न्यूट्रॉन ने हिट किया कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उसका केवल 0.7% हिस्सा टूटता है और 99.3% हिस्सा टूटता ही नहीं है। ये बात ये कह रहा है, आउट ऑफ दीज U-235 इज द ओनली वन, ये अकेला ऐसा है, वन अकरिंग इन नेचर, जो प्रकृति में ऐसा है कि 0.72% नेचुरल यूरेनियम का ये जो है वो ब्रेक होता है, सर्व्ड एज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में केवल 0.72% हिस्सा ही वर्क करता है, बचा हुआ जो है वो रिएक्शन के अंदर टूटता ही नहीं है। तो ये दो और इसका 0.7% जो हिस्सा है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं फिशनेबल फ्यूल, जो टूट सकते हैं, फिशन जिनका हो सकता है वो फिशनेबल फ्यूल हो गए, उन्हें फिसाइल मटेरियल कहते हैं या फिसाइल फ्यूल कहते हैं जो टूटते हैं। तो तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, U-238 and Thorium-232 आर नॉट फिशनेबल। देखो ये साफ साफ लिखा है 235, 233 और 239 ये क्या हैं, फिसाइल मटेरियल हैं। साफ साफ मेंशन किया है कि ये कौन है, फिसाइल मटेरियल है जो टूटेंगे, ये दो तो सीधे सीधे
और इसका कितना, केवल 0.7% हिस्सा, 99.3% नहीं टूटेगा। ये चीज अपन ने यहां पे अलग से क्लियर कर ली नीचे, ये चीज अलग से अपन ने सेकंड पॉइंट में क्लियर कर ली। तो ये तो हो गए फिसाइल मटेरियल। अब फर्टाइल मटेरियल कौन से, फर्टाइल मटेरियल है ये 238 और 232, यूरेनियम 238 और थोरियम 232 जो है वो फिशनेबल, वो टूटते नहीं है भाई। न्यूट्रॉन कितना भी जोर जोर से हिट कर ले उसको, पर वो ब्रेक नहीं होते, टस से मस नहीं होते। तो अब क्या करें, अब हम क्या करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर देते। कैसे, आर नॉट फिशनेबल, फिशनेबल नहीं, फिशनेबल नहीं है तो हम क्या करें, हाउ एवर दीज टू मटीरियल, साम दाम दंड भेद, दो मटीरियल, ये जो दो मटीरियल हैं ये कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको बदला जा सकता है किसमें, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 में। और ये दो मटेरियल जो है वो फर्टाइल मटेरियल कहलाते हैं, मतलब कि ये मटेरियल खुद तो नहीं टूट रहे पर इनको फर्टाइल किया जा सकता है किन्हीं ऐसे दो मटेरियल में जो न्यूट्रॉन से टूट सकते हैं, समझे। तो इसका मतलब इनकी ब्रीडिंग कराई जाएगी, इसीलिए ये फ्यूल जिस रिएक्टर में काम लिए जाते हैं उसे ब्रीदर रिएक्टर बोलते हैं। देखो इसको आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से रिपीट कर लो। यू 235, 233 और प्लूटोनियम 239, ये तीन बंदे ऐसे हैं जो सीधे सीधे न्यूट्रॉन से जो है वो टकरा करके अपने आप को तोड़ लेंगे, वो कहलाते हैं तुम्हारे फिसाइल मटेरियल। इनमें से अपवाद है केवल 235 जिसका केवल 0.7% हिस्सा टूटेगा, बचा हुआ नहीं टूटता। अब बाद में बचा 238 और थोरियम 232, ये भैया ऐसे हैं जो किसी भी न्यूट्रॉन से नहीं टूटेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनकी ब्रीडिंग करके और इनको फर्टाइल मटेरियल में चेंज कर लेते हैं। तो ये प्लूटोनियम 239 और 233 में बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, या हम करवाते हैं उनको, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फर्टाइल मटेरियल कहा जाता है। अब देखो आगे क्या लिखा है, ईच फिशन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम 235। अब इसकी बात कर रहे हैं भाई, तुम्हारे मन में ये भी जो शंका होगी कि 0.7% इतनी मेहनत से तो जमीन से खोदा निकाला लेके आए और केवल 0.7% ही जो है वो उसका यूज किया, तो 99.3% का क्या करेंगे, कचरे के डिब्बे में थोड़ी डाल देंगे अपन। तो उसके लिए अपन ने क्या कहा, उसके लिए हमने ये कहा कि भैया ईच फिशन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम 235 प्रोड्यूसेस अबाउट 2.5 न्यूट्रॉन पर फिशन। ये एक बार ही टूटेगा तो 2.5 न्यूट्रॉन बनाएगा, तो 2.5 न्यूट्रॉन में से ओनली वन ऑफ दीज न्यूट्रॉन इज नीडेड टू सस्टेन द चेन रिएक्शन, मतलब 2.5 में से एक बंदे ने तो रिएक्शन कंटिन्यू कर दी, बचा 1.5। वो 1.5 बंदा क्या करेगा, इस फर्टाइल मटेरियल को कन्वर्ट करने का काम करेगा, या जो 99.3% है। अब तुम्हें थोड़ा सा और डेप्थ में बता देता हूं, हालांकि काम का नहीं है ये भैया, जो 0.7% है ना ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से टूटता है, और ये टूटता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन बहुत फास्ट होना चाहिए, इसीलिए ये फास्ट ब्रीदर रिएक्टर के अंदर काम में लिया जाता है, जहां फास्ट न्यूट्रॉन से इसको तोड़ा जाता है। ठीक, तो उसको अब एक बार साइड में रख दें, वापस इस पे आ जाओ कि 2.5 न्यूट्रॉन बनाए, एक न्यूट्रॉन ने तो चेन रिएक्शन कंटिन्यू कर दी, बचे हुए 1.5 न्यूट्रॉन है वो क्या काम करेंगे, देखो, द एक्सेस फिशन न्यूट्रॉन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू फ्यूल एटम बाय एक्टिवेटिंग द फर्टाइल आइसोटोप्स। ये जो फर्टाइल आइसोटोप्स हैं इनको एक्टिवेट करना है, क्यों एक्टिवेट करना है, इनसे ये बनाना है, तो इनसे ये बनाने के लिए बचे हुए न्यूट्रॉन काम में ले लेते हैं, यानी एक न्यूक्लियर रिएक्टर में, देखो बहुत अचंभे की बात है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर ने एक फ्यूल लिया, उसको तोड़ करके एनर्जी बनाई, उसके बाई प्रोडक्ट नया फ्यूल बनाने का काम कर रहे हैं, मतलब एक न्यूट्रॉन ने 3 न्यूट्रॉन निकाले, उसमें से एक न्यूट्रॉन तो रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा है, बचे हुए 2 न्यूट्रॉन नया फ्यूल बना रहे हैं, अंदर ही अंदर नया फ्यूल बना रहे हैं, मतलब 1 किलो यूरेनियम लिया और उसी यूरेनियम को यूज करते करते अंदर ही अंदर 1 किलो मटेरियल और पैदा हो गया, 1 किलो फ्यूल और पैदा हो गया। हालांकि ये प्रोसेस जल्दी नहीं होती, वरना तो बाबू भैया बहुत जल्दी अमीर बन जाते, मस्त स्कीम है,
ये मस्त स्कीम नहीं है, ऐसा होने में तकरीबन 7 से 14 साल लग जाते हैं, 7 to 14 years लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। है फिर क्या मतलब पैसा ही खराब हो? नहीं भैया, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 7 साल बाद भी मटेरियल डबल होके मिल रहा है तो अच्छा ही है, एफडी से तो बढ़िया ही ब्याज मिल रहा है, समझे कि नहीं? तो ये आपके फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको तब तक रीकैप कर देता हूँ। फिसाइल और फर्टाइल, फिसाइल वो जो एक ही बार में टूट जाए न्यूट्रॉन से टकरा करके, और फर्टाइल वो जिन्हें दूसरे में कन्वर्ट करना पड़े, वो फर्टाइल मटेरियल हो गए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसी फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल के अंदर एक छोटी सी चीज और है जो आपको एक्सप्लेन करनी बाकी है, उसको भी मैं समझा देता हूं। एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ दिस कन्वर्जन प्रोसेस इज पैरामीटर आर, यानी कौन सा भैया? अभी अपन ने थोरियम को कन्वर्ट किया, U238 और थोरियम इन दोनों को कन्वर्ट किया गया, तो कन्वर्जन जो किया गया है उसके लिए एक फैक्टर दिया गया है आर। अब ध्यान से पढ़ना है इसको, क्या है? ध्यान से देखो, नंबर ऑफ फर्टाइल एटम्स कंज्यूम्ड दैट इज नंबर ऑफ न्यू फ्यूल एटम फॉर्म्ड, मतलब कि जो फर्टाइल एटम कंज्यूम हुए हैं, फर्टाइल एटम कंज्यूम होकर के क्या बनाएंगे? जो न्यूट्रॉन से ब्रेक हो सकते हैं वो वाले फ्यूल को बनाएंगे, यानी कि ये फ्यूल के रूप में काम में आ रहे हैं पर ये खुद नहीं टूट रहे हैं, ये कितने फर्टाइल एटम बना रहे हैं? तो या तो ये कह सकते, सॉरी, ये खुद कितने एब्जॉर्ब हुए, एब्जॉर्ब हुए मतलब ये फर्टाइल एलिमेंट या ये फर्टाइल मटेरियल जितने एब्जॉर्ब हुए उतने ही तो नए बने, यस और नो? तो ये जितना एब्जॉर्ब हुआ उतना ही ये बना है, तो यही चीज हमने यहां पर लिखी है। कहां? यहां, नंबर ऑफ फर्टाइल एटम कंज्यूम, कितने फर्टाइल कंज्यूम हुए या कितने नए फ्यूल के एटम बने, ये तो आया न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? नंबर ऑफ ओरिजिनल फ्यूल एटम कंज्यूम्ड इन द फिशन एंड रेडियो एक्टिव कैप्चर प्रोसेस, यानी ओरिजिनली यूरेनियम 233, 235 और प्लूटोनियम 239, ये है ओरिजिनल प्रोडक्ट जो यूज हुए हैं, वो कितने हैं? तो नए कितने बने और यूज कितने हुए पुराने वाले जो जो एक्चुअल में हैं, जो एब्जॉर्ब होने वाले वो कितने? ये तो भैया ओरिजिनली काम में नहीं आ रहे थे, ये नए बने हैं अभी अभी, और ये जो है ओरिजिनल काम आ रहे थे। अब तुम्हारा जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, अब इसको ऐसे समझो कि ये फ्यूल कंज्यूम हो रहा है और ये फ्यूल पैदा हो रहा है, ये कंज्यूम हो रहा है, ये पैदा हो रहा है, ये कंज्यूम हो रहा है, ये पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है उससे ज्यादा पैदा हुआ, तो ये रेशियो आर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा है तो इस प्रकार के रिएक्टर का नाम क्या पड़ जाता है? ब्रीदर रिएक्टर। कहा था ना मैंने अभी, मैंने कहा ब्रीदिंग करेंगे अपन, ये ब्रीदर रिएक्टर कहलाता है। अगर रेशियो 1 से ज्यादा है तो ये रिएक्टर कैसा कहलाएगा? ब्रीडर रिएक्टर कहलाएगा। और ये आर क्या कहलाएगा? ब्रीडिंग रेशियो कहलाएगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है उससे कम ही पैदा हुआ नया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये रेशियो 1 से क्या रहेगा? कम रहेगा। उस समय इस रिएक्टर को केवल क्या कहेंगे? कन्वर्टर रिएक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? कन्वर्टर रिएक्टर कहेंगे। और आर क्या कहलाएगा? कन्वर्जन रेशियो कहलाएगा। तो दो चीजें हैं, पहला ब्रीडिंग रेशियो और दूसरा कन्वर्जन रेशियो। और एक फॉर्मूला पहले पढ़ा है, कौन सा? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो तीन फैक्टर आपको यहां याद रखने हैं। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर तो एनर्जी आउटपुट को डिफाइन कर रहा है, और ब्रीडिंग फैक्टर और कन्वर्जन रेशियो आपके ब्रीडिंग को जो है वो डिफाइन कर रहा है कि कितना ब्रीडिंग हुआ है। तो इस पॉइंट को आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। फिर से बोल देता हूं, आर बराबर डिवाइड में क्या है? ओरिजिनल फ्यूल एटम जो कंज्यूम हुए, नंबर ऑफ ओरिजिनल फ्यूल एटम कंज्यूम्ड इन द फिशन एंड रेडियो एक्टिव कैप्चर प्रोसेस,
और ऊपर है नंबर ऑफ फर्टाइल एटम कंज्यूम या नंबर ऑफ न्यू फ्यूल एटम बन फॉर्म्ड, यानी नए कितने बने और यूज कितने हुए। नए ज्यादा बने, यूज कम हुए, रेशियो एक से ज्यादा, ब्रीडिंग रिएक्टर, ब्रीडिंग रेशियो। नए कम बने, यूज ज्यादा हो गए, रेशियो एक से कम, कन्वर्टर रिएक्टर, कन्वर्जन रेशियो, खत्म बात। यहाँ पर आपका थ्योरी फर्टाइल और फिर इफ यू रियली लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।